गाइस, दिस इज विनीत चौधरी। यू आर वाचिंग आईआईटीएस फ्लेक्स। हमारी जो आज की वीडियो है बहुत ही स्पेशल वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि जेईई और नीट 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वीडियो स्पेशल क्यों होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो के जरिए आपको पूरा ट्राई करेंगे कि आपके जितने भी डाउट्स है सब इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्लियर होने चाहिए। और प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपका डाउट क्लियर करने वाला हूँ जेईई नीट 2020 से रिलेटेड। तो पहला जो डाउट है बच्चों का वो ये है कि मेरी यार कम परसेंटाइल है जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में, अब मैं क्या करूं कि मतलब परसेंटाइल गिर जाए। वो बेचारा उसी लेके परेशान है, उसी लेके बैठा हुआ है। तो भाई देख, जो बीत गया हम उसमें क्या कुछ कर नहीं सकते अब तो, क्योंकि जो हो गया वो हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपना आने वाला एग्जाम को सुधार सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी टेक्निक नहीं है, उसको ही ऑप्शन है। या तो हम उसे लेके बैठे रहे पूरे दिन रात कि मेरी क्या परसेंटाइल होगी, मेरी 92% है, कॉलेज मिलेगा, सीएस मिलेगी, नहीं मिलेगी। या फिर हम क्या करें, हम अपने एक स्कोर को बूस्ट करें, 98, 97, 99 के आसपास ले जाए उसे खींच के, और अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया करें, और जिससे हमारा क्या हो जाए, एक कॉलेज हमारा, एक ब्रांच अच्छी हमारी क्या हो जाएगी, एक कंफर्म ब्रांच हो जाएगी। तो बस दो ही ऑप्शन है बच्चों के। बहुत सारे मतलब मैंने भी देखे, कमेंट्स भी देखे, क्या देखे कि मेरी ये ब्रांच है, मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरा ये स्कोर है। तो भाई सबका एक ही मैं उसका जवाब दूंगा यार, कि अभी क्या मतलब इस बात का कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ कि मेरा ये स्कोर है, क्या मुझे ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी बात कंप्लीट हुई का, अभी तक कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत वैसे कुछ हमारे पास अभी तक पूरे चांसेस ही नहीं है। जिसकी प्रेडिक्शन ही नहीं है तो उसके बारे में सोच के अपनी प्रिपरेशन को क्यों खराब करा, उसके बारे में सोच के अपने आप को टाइम को क्यों खराब। कम से कम उसके पास जाए कि बिल्कुल सियोरिटी हो कि मतलब मेरा ये स्कोर है तो मुझे ये मिल जाएगी, तो फिर मैं जेईई एडवांस। अभी तक जब कुछ कंफर्म ही नहीं है कि क्या रैंक होगी, क्या मेरा मतलब कॉलेज मिलेगा, तो यार कोई हम चांस बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बस स्लाइटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको उसके बिहाफ पे अपने आप को डिसाइड करना है कि मैं कहां बिलोंग करता हूं, तो यार वो आपकी डिसाइड है, इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। डाउट है बच्चों की, यही क्वेश्चन है यार बार बार कि मेरी मतलब परसेंटाइल यही है, मुझे उसमें आईआईटी मिलेगी क्या, एनआईटी में ये वाली ब्रांच मिलेगी क्या, मैं आईआईटी क्वालिफाइड कर पाऊंगा क्या। यार देख, कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं है। अब मेरी यार 95% थी जनवरी अटेम्प्ट में, मतलब कि मैं तुमसे बता रहा हूँ मेरी 95% थी, अप्रैल अटेम्प्ट में मेरी थी 98%। तो अगर मैं उसे लेके बैठा रहता उस टाइम पे कि यार मेरी 95 है, मुझे ये ब्रांच मिलेगी, मुझे ये रैंक पे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यार मैं 98 क्या मैं 88 भी नहीं ला पाता सच बताऊं तो यार क्या मतलब इस चीज का, क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है कि यार मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मेरी ये परसेंटाइल है, कोई इसका जल्दी हार क्यों माननी यार, हमें क्यों माननी, क्यों है जल्दी हार। यार एक जिद बनाओ अपने अंदर कि मतलब मुझे ये कॉलेज चाहिए, मतलब मुझे आईआईटी बॉम्बे में ये ब्रांच चाहिए तो चाहिए, फिर अब चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी देना पड़े 102%, तो उसके बेसिस पे आप यार अपने आप को डिसाइड करो। उस बात पे क्या डिसाइड करना, जो चीज बीत गई उसे ही बार बार हो जा रहा है, मेरी 92% है, मेरी 90। हम बात भी करें किस चीज की, कि अगर हमारी परसेंटाइल क्या होगी, रैंक क्या होगी, मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यार कॉलेज प्रवेश पे जाओ, किसी भी कॉलेज को जो तुम्हें अपना टारगेट सेलेक्ट करना है, जो भी तुम्हारा टारगेट है उसे देखो यार पूरा दिन, इसके बारे में क्या मतलब क्या सोचना है कि यार मतलब वो मिलेगा वो मिलेगा। जाओ एक बार देखो अपना टारगेट क्या है मेरा, मुझे क्या लेना है, क्या उसकी बेसिस है, क्या मैं मतलब अचीव कर पाया हूं अभी तक। और अगर तुम उसे अचीव कर लिए हो तो फिर यार उससे बेस्ट देने की ट्राई करो, अगर नहीं करे तो यार वो अचीव करना यार ये टारगेट ही होना चाहिए। मेन बात यार यही है कि आप उतना ही बड़ा कर सकते हैं, आप उतना ही बड़ा कर सकते हैं जितना बड़ा आप सोच सकते हैं। कितना बड़ा, उतना ही बड़ा आप कर सकते हैं जितना बड़ा आप सोच सकते हैं। तो यार अपनी सोचने की शक्ति को यार विकास करो यार, मतलब कि हमें बिल्कुल डिपेंड नहीं रहना कि मेरे 94 आए तो मैं यार स्कोर नहीं कर सकता, 94 को 99 में कन्वर्ट करना। जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना ही बड़ा हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। जरूरत हिम्मत चाहिए उसके लिए, हिम्मत चाहिए कि क्या करने के लिए, बड़ा करने के लिए, ना बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, बड़ा सोचने के लिए, बड़ा सोचने के लिए हमें क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए, जरूरत चाहिए। और वो हिम्मत हमें क्या करनी है, इस वीडियो को देखने के बाद हमें क्या करना है, अपना टारगेट सेट करना है, अपना उसकी रैंकिंग देखनी है यार, कहीं टाइम वेस्ट नहीं करना। बिजनेस खोल के बैठे हैं, बिजनेस को हमें क्या बढ़ावा यार नहीं देना, किसी भी बिजनेस को यार। क्यों बच्चों को यार तुम नाश मार रहे हो कि परसेंटाइल में ये बता रहा हूँ फलाना ढिमकाना, यार एक कॉलेज अपना सेलेक्ट करो, मुझे इसमें जाना है, फोड़ के रख देना यार इस बार एग्जाम में, ये जिद होनी चाहिए अंदर अपने, क्या कि फोड़ के रख देना इस बार एग्जाम, क्या करना है फोड़ना, किसी की बातों पे अपना स्कोर पे कभी भी कुछ नहीं करना। जनवरी वाले पे हमें कुछ मतलब ही नहीं, जनवरी से हमें तो अप्रैल को फोड़ना है, एग्जाम फोड़ के ही दिखाना। यूज योर टाइम अदरवाइज यू लूज योर टाइम। अपना समय, अपना टाइम जितना भी है यार, ये प्रीसियस टाइम है, एक दो में ये चला जाएगा, ये टाइम चला जाएगा। तुम एग्जाम के एक दिन पहले बैठे रहोगे कि यार मैंने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, बहुत टाइम है, एक डेढ़ दो महीना है अभी भी यार
फोड़ कर रख दोगे एग्जाम को, किसी भी एग्जाम को, 2 महीना मोर देन इनफ है जेई मेंस को फोड़ने के लिए। तो क्या करना, क्या यार अपना गोल सेट करना है, अपना पूरा पूरा एफर्ट डालना है यार, कुछ नहीं सोचना इधर उधर की। रेस में घोड़े, जब रेस में घोड़े दौड़ते हैं उनके यहाँ मुखट्टे पे यार वो बांध देते हैं जिससे वो साइडों की चीजें ना देखे, तो यार हमें भी साइडों की चीजें नहीं देखनी है। क्या है रेस है, रेस को हमें क्या करना है, इसे पार कर देना है। फेमस स्टोरी है लेकिन यार बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल भी है, बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा मोटिवेशनल है। तो यार स्टोरी तुमने भी सुनी होगी कि जब द्रोणाचार्य अपने मतलब शिष्यों को कौरव और पांडवों को लेके जाते हैं एक मतलब पेड़ के, पेड़ पे चिड़िया बैठी रहती है कि उस पर हमें क्या करना है, टारगेट सेट करना है चिड़िया की आंख पर। तो वो दुर्योधन से पूछते हैं क्या दिख रहा है, दुर्योधन बोलता है चिड़िया दिख रही है, पेड़ दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, फलाना ढिमकाना, ऐसे ही सब बोलते हैं। भीम बोलता है, ये बोलता है, अर्जुन से पूछते हैं अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है, अर्जुन बोलता है मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। और फिर पूछता है अर्जुन और क्या दिख रहा है, कि बस मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है और मैं तुम्हारा गुरु, तुम्हारे साइड में खड़ा हूं, क्या मैं दिख रहा हूं, नहीं गुरुजी आज तो आप भी नहीं दिख रहे, आज तो बस चिड़िया की आंख दिख रही है। तो यार एक टारगेट हमारा मतलब जैसे आईआईटी दिल्ली में मतलब सीएस चाहिए या फिर आईआईटी बॉम्बे में सीएस चाहिए, तो यार फोड़ना है यार, सीएस ही चाहिए, फिर उसके अलावा हमें और कुछ चाहिए नहीं, क्या करना है फोड़ना है एग्जाम को, तो यार आंख ही दिखनी चाहिए बस चिड़िया की। तो अगर आज इस वीडियो को देखने के बाद यार प्लीज यार इस वीडियो को शेयर कर देना जो भी, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कि मतलब और किसी का नुकसान ना हो यार, जितना मतलब किसी का टाइम सेव हो जाए उतना ही पता क्या है हमारे लिए बहुत बढ़िया है। और दूसरी बात, इस वीडियो को देखने के बाद यार अपना आज टारगेट सेट करना है, उसकी रैंकिंग देखनी है परसेंटाइल कॉलेज प्रवेश पे, और किसी भी बिजनेसमैन के चक्कर में हमें नहीं पड़ना, अपनी स्टडी पे ध्यान देना है और अपने ही स्कोर पे ध्यान देना है, अपने स्कोर को कैसे बूस्ट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और बेस्ट ऑफ लक।